हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें क्या करना चाहिए? अब इसलिए आप सोचते होंगे कि किसमें सोचने वाली क्या बात है, हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के एक कंसल्ट करना चाहिए, डायग्नोसिस कराना चाहिए, फिर उस डिजीज या डिसऑर्डर के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन सबके सब ऐसा जानते हैं बट करते नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हमको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी बुखार, इनको छोड़ दें अगर, तो भी थोड़ा सा अगर सीवियर प्रॉब्लम होने की वो स्टार्ट होते हैं। जैसे बीपी हो गया, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई या किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, सबके सब तो ऐसा नहीं करते, उनमें से अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि भाई तुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, तुझे डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दिए थे, वो दवाई का नाम मुझे बता ले, या मेडिकल स्टोर के पास चले गए, कोई जान पहचान के हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या दवाई है, वो दवाई आप दे दो। मोस्ट ऑफ द केसेस हम में से काफी सारे लोग जो कि नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं, इवन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फार्मेसी बैकग्राउंड के होते हुए भी ये चीजें प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं और वो खुद से वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये कहलाता है हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में सेल्फ मेडिकेशन। अब डिस्कशन ये बहुत बड़ा है कि सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट और कंक्लूजन यही निकलता है कि कभी भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। कारण क्यों, उसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है, ऐसे कई सारे जस्टिफिकेशन में मेन जस्टिफिकेशन मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप दो व्यक्ति हो तो दो व्यक्तियों की पसंद एक जैसी नहीं हो सकती। अगर किसी को एक चीजें पसंद है तो दूसरे को वो पसंद हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन को बढ़ा दो तो अगर आपके कॉलेज में जितने भी सेमेस्टर के बच्चे हैं उनमें से आपके सेमेस्टर के बच्चे की पसंद नापसंद को अगर आप निकालोगे तो मैक्सिमम की पसंद एक जैसी हो सकती है, लेकिन कुछ एक की पसंद एक जैसी नहीं हो सकती। कारण क्या है, उनका पर्सनल सोच है, पर्सनल चॉइस है। सो जब उनकी पसंद किसी खाने पीने की चीजों में एक जैसी नहीं हो सकती तो उनकी बॉडी का जो प्रॉब्लम है, भले ही सिम्टम एक जैसा दिखाई दे रहा हो, क्या गारंटी है कि वो सेम टू सेम हो। सो हमें अगर किसी और की प्रॉब्लम को देख करके उसके लिए ट्रीटमेंट जो किया गया था उसके प्रिस्क्रिप्शन को खुद से यूज करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल सकता है। जो ऊपर पर दिखने वाली समस्या का एक सिम्टम है, लक्षण है, वो तो जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सिम्टम दिख रहा है वो शायद नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तो केवल सिम्टम को ट्रीट किया, बेसिकली चीज तो ट्रीट नहीं किया ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर और नीचे दो हिस्से होते हैं, रूट का पार्ट है और बाकी शूट के पार्ट है, तो आपने ऊपर की डंडियों को काट दिया कि नीचे तो बचा हुआ है ना, कुछ समय बाद वो फिर से उग करके पहले ऐसा हो जाएगा। सो एक्चुअली ट्रीटमेंट का मेथड ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम को डायग्नोसिस किया जा सके, और हर प्रॉब्लम एक जैसी सबकी नहीं होती। मान लेते हैं किसी को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम के पीछे का कारण क्या है। भाई किसी का हो सकता है सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है इसलिए बीपी ज्यादा है, किसी के में स्टॉल का लेवल ज्यादा है, किसी की जो वेसल्स हैं वो थोड़े से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, या और कुछ भी ऐसे कारण हो सकता है, किडनी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फंक्शन प्रॉपर ना कर रहा हो जिसकी वजह से सोडियम का एलिमिनेशन प्रॉपर ना हो रहा हो, तो ऐसे कई कारण हैं। तो अगर एक कारण किसी व्यक्ति को देख करके उसके हिसाब से दवाई दी गई थी और आपने उस व्यक्ति को दिए गए दवाई को लेकर के खुद से स्टार्ट करना लेना शुरू कर दिया तो वो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगी ना। कुछ दिन तो थोड़ा बहुत आपको आसार दिख सकते हैं ठीक होने के, लेकिन एक्चुअली वो ठीक होगा नहीं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए कभी भी हमको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन करने के पीछे का लॉजिक ये कहता है आज के डेट में कि भाई हम डॉक्टर के पास बेवजह नहीं जाना चाहते। कई चीजों में एक सोच ये भी है कि डॉक्टर की फीस 500 रुपये होगी और मेरी प्रॉब्लम कुछ सीरियस लगती नहीं मुझे, आप ही खुद डॉक्टर बन गए उस समय, मुझे लगता नहीं कि मेरी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल करता हूँ, आई हैव दिस सिम्टम, उसके हिसाब से 4-5 वीडियोस देख लिया आपने यूट्यूब पे, सो कॉल्ड सो मेनी डॉक्टर्स आर अवेलेबल इन द यूट्यूब एंड गूगल ऑल्सो, सो आपने उनके अकॉर्डिंगली दवाई देखी और ड्रग का डोज ले लिया। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ड्रग का डोज भी बता दिया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पर हम कभी भी आपको ड्रग का डोज नहीं बताते हैं। तो वो डोज आपने देख लिया, वो ड्रग आपने देख लिया, लगा कि हाँ मेरा सिम्टम भी उसी के सिम्टम से मैच करता है, तो आपने उसको लेना स्टार्ट कर दिया। भाई सिम्टम कई सारी बीमारियों के एक जैसे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मुझे सर दर्द है, बुखार है, वोमिटिंग है, वीकनेस है, अब बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये तो कई बीमारियों का एक सिम्टम हो सकता है। मुझे बुखार हो सकता है, कोविड हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, ऐसे कई चीजें। अब इसको आप अपने मन से समझ लिए कि मुझे पीलिया है, पीलिया का ट्रीटमेंट कर लिया, आपने अपने आप मन समझ लिया कि मुझे वायरल फीवर है, आपने वायरल का ट्रीटमेंट कर लिया, तो ये दिक्कत है ना, ये सही चीज थोड़ी ना। हाँ, इस पर अगर ये कन्फर्मेटिव सिम्टम दिख जाए कि हाँ मेरे आंखों का कलर थोड़ा येलोविश हो गया, यूरिन येलोविश जा रहा है, तो आप कई सारे सिम्टम्स ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज में से एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अब ये सिम्टम दिख रहा है जॉइंटिस का आपके, लेकिन इसके साथ
कोच और भी सिम्टम एसोसिएटेड हो सकते हैं। सो हमने ब्लाइंडली सिम्टम देख करके मेडिसिन ले लिया, स्टार्ट कर दिया, और ये मेडिसिन उसको प्रॉब्लम को और ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं। मलेरिया हो गया, मलेरिया में फीवर आना स्वाभाविक है, चिल के साथ ठंडी के साथ बुखार आता है, तो आपने उसको नॉर्मल समझ लिया, नॉर्मल वायरल फीवर समझ लिया, आपने एंटी फीवर ड्रग, एंटी पायरेटिक ड्रग जिसको हम लोग बोलते हैं उसको लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो आपके बुखार के सिम्टम को मास्क कर देगा। लेकिन मलेरिया के जो पैरासाइट आपके ब्लड में पहुंच चुके हैं, उनका लाइफ साइकिल जब कंप्लीट होगा तो आपकी प्रॉब्लम तो सीरियस होती जाएगी ना, वो आपके लीवर को भी अफेक्ट करेगा, आपके ब्रेन को भी माइग्रेट करेगा, और आपको फिर दिक्कतें होने लगेंगी। तो ये रेडिकल क्योर हमको कराने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें दिक्कत कर सकती हैं अगर और सिर्फ एक गलती, वह है सेल्फ मेडिकेशन। कुछ ओटीसी प्रोडक्ट जरूर हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं, बट मैं भी उनको यूज करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट का केवल एक ही उपाय होता है, वह है प्रॉपर डायग्नोसिस। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगी, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन ओनली वी हैव टू गो फॉर द डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड अवेलेबल ओनली एज पर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये हो गया सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा नुकसान। उम्मीद करता हूं कि जानकारी के लिए आप भले ही वीडियोस देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उस जानकारी का प्रयोग खुद पे या अपनी फैमिली मेंबर पे ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। हम अक्सर एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, या तो खुद से करने लगते हैं जिसको नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें, या तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली। चलिए मान लेता हूं कि यहां पे आप अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ही फॉलो कर रहे हो, आपको एंटीबायोटिक का डोज थेरेपी दिया गया है, रेजिमेन फॉलो करने को कहा गया है। लेकिन हमेशा तो नहीं, बट कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि आपको ये बताया जाता है कि इसको इसके साथ लेना नहीं चाहिए या इसको इसके साथ ले लें, कई बार छूट जाता है, डॉक्टर बता नहीं पाते हैं या आप उनसे पूछ नहीं पाते हो। तो जो एंटीबायोटिक की कैटेगरी ब्रॉड है, कई सारे उसके कैटेगरी आते हैं, बट कुछ एंटीबायोटिक जैसे आपके टेट्रासाइक्लिन वगैरह हो गई, इनको अगर आप मिल्क या मिल्क के किसी भी दूसरे फॉर्म के साथ यूज कर रहे हो तो वह आपके लिए सही नहीं होगा। एक साथ में बोल सकते हैं कि इस टेट्रासाइक्लिन के एंटीबायोटिक को आपको डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, छाछ, मट्ठा, पनीर, ये भी इंक्लूड हो सकते हैं। कारण क्या है, हम में से अक्सर देखते हैं कि जब कभी कोई ड्रग इरिटेशन कॉज करता है तो उनको मिल्क के साथ दिया जाता है, जैसे क्लोरोक्विन वगैरह हो गए, लेकिन ये एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है। कारण सिंपल सा है कि जब आप कभी दूध लेकर के उस दवाई को लेंगे, या दवाई के साथ दूध लेंगे, या दवाई के बाद जस्ट आफ्टर दूध लेंगे, तो होता क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले आपको एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं कि कोई चाय छननी है, उसमें चाय आपको छाननी होगी, तो चाय छनती है क्यों, क्योंकि उसके जो चाय पत्ती की साइज होती है वो बड़ी होती है, तो वो छन नहीं पाती, अगर छोटी होती तो वो निकल जाती। वैसा कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, जब कभी भी हम कोई ड्रग लेते हैं, अगर वो सॉलिड डोजेस के फॉर्म में है तो टैबलेट है, तो वो जो ड्रग है आपके ओरल रूट से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंचता है। इस स्टमक में कई सारे वाटरी फ्लूड रहते हैं, तो ये जो ड्रग है आपका टैबलेट के फॉर्म में, वहां पे पानी में पहुंचते ही डिसइंटीग्रेट होने लगता है, मतलब एक प्रकार से बोलिए टूटने लगता है। डिसइंटीग्रेट होगा मतलब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है ताकि घुलने में आसानी हो। इस डिसइंटीग्रेशन के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली घुल जाता है। उसके बाद वो आपके स्टमक को छोड़ करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि वो ब्लड में जाकर के आपके बॉडी के लिए यूजफुल इफेक्ट दे सके, जिसके लिए आपने लिया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वो एब्जॉर्ब क्यों हुआ, क्योंकि उसके जो कॉम्प्लिकेशन था आपके जीआईटी में वो नहीं था, नॉर्मल था, सब कुछ ओके था। लेकिन अब हम केस को इमेजिन करते हैं कि आपने दूध के साथ, दही के साथ, छाछ के साथ, मट्ठे के साथ इसको लिया, तो ये जो मिल्क प्रोडक्ट है ये इसके एब्जॉर्प्शन को हिंडर्ड करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हैं आप, ये छोटा सा है तो सिंप्लेक्स है, अगर बहुत सारा जाल गुछा गुछा हो जाए, क्लस्टर्ड बेड में हो जाए, तो वो हमको बोलते हैं, रफ लैंग्वेज में बोला जाए तो वो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से समझ लेते हैं कि उसके मॉलिकुलर साइज में चेंजेस आ जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि चाय छन्नी में चाय पत्ती छन नहीं पाती क्योंकि बड़ा हो जाता है, और छन नहीं पाती तो वो नीचे नहीं आ पाती, हालांकि यहां पे यूजलेस है अगर वो जाए तो। यहां पे बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि साइज के अकॉर्डिंगली, तो यहां पे जो साइज बड़ा हो जाता है तो इनके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, और जब कभी भी कोई ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा वाया योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन हाउ कैन इट विल रीच टू द एब्जॉर्प्शन साइट, मींस आपके ब्लड में कैसे पहुंचेगा। और जब कभी कोई ड्रग आपके ब्लड में, जो कि हमारा मेन टारगेट है कि ब्लड में ही पहुंचे आपका ड्रग, वो नहीं पहुंचेगा तो एक्शन कैसे नजर आएगा। तो यहां पे आपकी एंटीबायोटिक उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी अगर आपने बिना मिल्क के ली हुई होती। तो
लेकिन ये सबके केस में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जिसे इसका नाम मैंने आपको बताया, टेट्रासाइक्लिन वगैरह बताया। तो एक बार आप कभी भी अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो पूछ लिया करें कि क्या इसको किसी और के साथ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हमको नहीं लेनी चाहिए, तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। उम्मीद करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।